पा करके खिलते मुरझाए हृदय कले। ओम नीम श्री एक आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मन जाए अत्र अवतर अवतर संबोधन आवाहनम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो भव चट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम जपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष दोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम से 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाणति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापा ने अब शरण आपकी आया हूँ संत ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज संसार ताप विनाश नहीं चंदनम निर्पामती जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निध को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर प्राप्त है इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिंदाए रोग मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिंदाए महामोहन इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम
श्री 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मंदिर अनर्पत प्राप्त है अर्घम निरपामति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया मलपा पूज पिता श्री को हर समय मते कृत कृत किया बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार तुम स्वाद वाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने वह मंद मधुर कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना स्वर ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में रम जाना भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज उदक चंदन तंदुल पुष्प कै शर सुदीप सुदूप फल अर्घ कै धवल मांगल ज्ञान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराज महाव्यजे ओम रीम श्री 108 आचार्य गुरु जी मुनि श्री प्रसाद सागर जी गुरु महाराज चंद्र सागर जी महामुनिराज जी निरामय सागर जी महामुनिराज जी के पावन पुण्य चरणों में अनर्पण प्राप्त है संपूर्ण अर्घ्यम निरपामति नमोस्तु महाराज जी सभी अपने हाथों को जोड़ लें और हे स्वामी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें हे स्वामी नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु।